हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल सोया चाप। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए मैंने ये चार पीस फ्रोजन सोया चाप की ली है। इसे मैंने थोड़ी देर बाहर रख दिया था और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, हम इसके अंदर से निकाल देंगे जिसके ऊपर ये सोया चाप फटेगी। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम अपने सोया चाप को फ्राई कर लेंगे। हमारी सोया चाप फ्राई हो गई है, अब हम इन्हें निकाल कर ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके पीसेस काट लेंगे। उसके लिए मैंने ये चार फ्राई की हुई चाप ली है, इसे हम सेंटर से काट लेंगे। और इन्हें हम मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज पेस्ट, एक टेबलस्पून विनेगर, नमक, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, इनके साथ हम इसे मैरिनेट कर देंगे। हमने अपनी सोया चाप को मैरिनेट कर लिया है। कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1/4 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स। इसे हम ड्राई ही रखेंगे अपने सोया चाप को कोट करने के लिए। अब हम बनाएंगे एक स्लरी। उसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसमें हम डालेंगे नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। एक चुटकी हम डालेंगे केसर कलर। और पानी डालकर इसकी थिक स्लरी बना देंगे। हम अपनी सोया चाप को पहले ड्राई मैदे में कवर करेंगे, कोट करेंगे, फिर हम इसे स्लरी में कोट करेंगे। और उसके बाद ये मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स, इन्हें क्रश कर लिया है, इसे इससे कोट करेंगे। इस तरह से हम अपनी सारी सोया चाप कोट करके रख लेंगे। हमने अपनी सोया चाप को कोट कर लिया है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हमने अपना तेल गरम कर लिया है, अब हम मीडियम फ्लेम पे अपने सोया चाप को फ्राई कर लेंगे। हमारी सोया चाप फ्राई हो गई है, अब हम इसे एक पेपर टवल पे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी सोया चाप को फ्राई कर लेंगे।
हमारी KFC स्टाइल सोया चाप बनके तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।